वो मैं भाग रहा था ना। अच्छा तो तू रेसे लगा रहा था? नहीं, वो मेरे पीछे कोई लगा हुआ था। कौन, कुत्ता? अरे नहीं नहीं भाई, वो कुत्ता नहीं। तो फिर जरूर बिल्ली लगी होगी तेरे पीछे। अरे नहीं यार, वो मेरे पीछे क्या लगा हुआ था? हाँ, वो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी। ओए शाबाश। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि जरूर तू किसी का पर्स चुरा के भागा होगा। अरे मैं कोई छोटा मोटा मुजरिम थोड़ी हूँ, मेरा नाम तो सुना होगा तुमने। क्या क्या है तेरा नाम? यार मेरा नाम क्या था, क्या था मेरा नाम? हाँ, भूरा, भूरा बादशाह। ओए शर्म नहीं आती तुझे? बादशाह होके तो चोरियां करता फिरता है। अरे मैं वो वाला बादशाह थोड़ी हूँ, मैं तो डाकू हूँ। डाकू? मैंने हीरो का हार चुराया है, इसलिए तो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। ये देखो, आ देखो, ये मेरी अमानत है, इसे अपने पास रखो, मैं 2 घंटे बाद आकर तुमसे वापस ले लूंगा। ये हीरो का हार मेरे हाथों में? हाँ, अब मैं चलता हूँ। क्या कह रहा था? हाँ देखो, मेरी अमानत का ख्याल रखना है। Beauty, I am looking so beautiful with हार हीरे दो। इतना प्यारा हार मोमो, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये उसका हार है जबरान। महमूद? नहीं, महमूद का नहीं, उसका है। अरे किसका है? वो जो मैं सलाद में नहीं डालती, हरे हरे खीरे। हाँ मसूद, ये खीरों का हार है। तुम्हारा मतलब है मोमो कि ये हीरो का हार है? हाँ हाँ असलम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे इतना महंगा हार तुम्हें दिया किसने है? ये वो मुझे तो किसी ने नहीं दिया बैद। महमूद यार? नहीं नहीं, ये मुझे महमूद ने भी नहीं दिया है। मैं महमूद हूँ ना मोमो। आपने कभी तोहफे में मुझे चांदी का तोला नहीं दिया, ये तो फिर हीरो का हार है। अरे पर ये तुम्हें दिया किसने भाई? ना वही तो मैं भूल गई हूँ जमशेद। मुझे जरा देखने तो दो। खबरदार, जो मेरे हार पे आपने मैली उंगली लगाई हो अपनी तो। मोमो ओहो पापा, बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपके क्लाइंट का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। डोंट वरी। ओके, खुदा हाफिज़। अभी पापा बता रहे हैं उनका कोई क्लाइंट आ रहा है कराची, कुछ देर हमारे घर रुकेगा, और वो ये भी कह रहे थे कि थोड़ा अजीब सा है। ओ जानू, कितना अजीब होगा, तुम्हारे पापा से तो कम ही अजीब होगा ना नबील। हाँ यार, उन्होंने हमारे घर को क्या गेस्ट हाउस समझा हुआ है, जब देखो किसी ना किसी को भेज देते हैं। ये मत भूलो कि इस घर का खर्चा पापा ही उठाते हैं। अरे तो इतनी दौलत का करेंगे क्या वो? एक ना एक दिन सारी दौलत उन्होंने मेरे ही नाम करनी है ना। तुमसे ज्यादा लालची और घटिया शख्स मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा नबील। थैंक यू जानो। शट अप नबील। अरे भाई तुम दोनों यहाँ बैठे हो तो क्या करें, मामू साहब यहाँ लेट जाएं घास पर। अरे मैं तुम लोगों को ये बताने आया हूँ कि मोमो के पास ना हीरो का हार है बड़ा सा। क्या? हीरो का हार? वो भी मेरी प्यारी माँ जी के पास? हाँ, और पता है वो किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही अपने हार को। माँ जी वो हीरो का हार सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देंगी। वो जो मोमो अपने बेटे को देगी वो हीरो का हार होगा। हाँ जी। अच्छा जी। जानू आओ जरा, जल्दी से आओ जानू, जल्दी से, जल्दी से आओ जानू, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। नबील तो मुझे कमरे में क्यों ले आए हो यार? जानू मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खबरदार जो मुझसे कोई चिचोरी बात की। ओ जानू, मैं तुमसे हीरो के हार की बात करनी है। क्या तुम भी मुझे हीरो का हार दिलवाओगे? दिलवा देता जानू, अगर मेरे ससुर ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए होते तो। शट अप नबील। ओहो जानू मेरी बात तो सुनो, हमें किसी भी तरीके से माँ जी के गले से वो हार उतरवाना होगा। कैसे?
उनका गला काट के। खूबसूरत, वो मेरी माँ है, हमें सिर्फ उन्हें मक्खन लगाना है। मक्खन तो सारा माजी ने नाश्ते में खत्म कर दिया था यार। जानू, मुझे लग रहा तुम पर ना माजी का असर हो रहा है। देखो, हमें उन्हें बहला फुसला कर उनसे ही हार हासिल करना है। माजी वो हार कभी नहीं देंगी नबील। जानू जरूर देगी, तुम एक बार अच्छी बहू बन के उनकी खिदमत तो करो यार। मैं क्यों करूँ उनकी खिदमत? ओ जानू, सोचो सोचो जानू, अगर वो हमें हार मिल गया तो हम करोड़ों पति हो जाएंगे, गाड़ी, घर, बंगला, लड़कियां। व्हाट? जानू ऐसे फ्लो में निकल गया, वरना तुम्हें पता है मैं तो सब लड़कियों को बहन ही तकरीबन समझता हूँ, खालाजाद या फूफीजाद। मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारा साथ दूंगी, ये हीरो का हार तुम मुझे दोगे, मैंने भी पहना है। तुम फिक्र मत करो जानू, हम एक काम करेंगे, हम तुम्हारे पापा को डबल पैसों में वो हार भेज देंगे, फिर उनसे हार वापस ले लेंगे। कैसा इतनी घटिया बात की है तुमने नबील। थैंक यू जानू, थैंक यू। मोमो, देखो आजकल हालात जो है ना बहुत खराब जा रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम ये हीरो का हार ना मुझे उतार के दे दो, मैं इसे संभाल के रख लूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने वो निकलेंगे। वो क्या है मोमो? वो जो पैसे के पीछे रॉल टपकाता है। कौन? नबील। कौन नबील? अरे तुम्हारा वो बेटा जो एक नंबर का लालची आदमी है। हाँ लालची। हाँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने लालची निकलेंगे सुल्तान। महमूद मोमो। माँ जी, ये आपके लिए जूस। ओए, हमने नई नौकरानी रख ली है। ओ माँ जी, ये खूबसूरत है। ओए, मर्दों वाले घर में ना खूबसूरत मासियां नहीं रखनी चाहिए पुत्र। ओ ये आपकी बहू है माँ जी, खूबसूरत। मैं सब समझता हूँ कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरी मोमो से ये हार लेना चाह रहे हो ना? वश्य वश्य। तो ये सब इस हार की वजह से हो रहा है? हाँ मोमो, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा था कि ये हार मुझे दे दो। नहीं माँ जी, नहीं, आप ये हार बड़े मुंह वाले मगरमच्छ लालची इंसान को नहीं दे सकती। अबे न्योले के मुंह वाले नबील, ये हार मोमो सिर्फ मुझे देगी। अरे यार, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? हम सब आपस में ये हार शेयर भी तो कर सकते हैं ना। चुप कर मीचती, तो ये हार अपने जहेज में लाई थी क्या? माँ जी, मैंने किसी को ये हार नहीं देना, बता रही हूँ। माँ जी, मेरी बात तो सुन रही है। चुप करो, दफाओ जाओ। माँ जी, माँ जी, हमें ये हार फौरन भेज देना चाहिए यार। हाँ मोमो, ये हार तो लाखों रुपए का होगा। कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा यार। वश्य वश्य, मैं ये हार नहीं बेचूंगी नदीम। नबील माँ जी। हाँ तो नबील को भी हार किस नहीं बेचूंगी। अरे नबील की औकात भी नहीं है ये हार खरीदने की। अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में ऐसे 10-15 हार खरीद सकता हूँ। अरे तो बजाओ फिर चुटकी। और चुप करें आप। माँ जी, अगर हमने ये हार बेच दिया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। और नहीं नहीं, मैंने नहीं बेचना अपना हार। माँ जी, वैसे आपको इतना कीमती हार दिया किसने? और मैं किसी को नहीं बताऊंगी बच्चू। क्यों भाई मामा? क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं कि ये कौन देखे गया है। लगता है पापा के क्लाइंट आ गए। ओ चाहे मैं मुंह साफ जाके दरवाजा खोले यार। वो जो मैंने जाकर खोलना है वो दरवाजा है। हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी, माँ जी, ये हार उतार ले, बाहर वाले आदमी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए इस हार के बारे में। जी बोले। क्या बोलूं? अरे क्या काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैं कुछ मांगने आया था। ओ तो तुम बेकारी हो, लेकिन यार हुलिये से तुम लगते तो नहीं हो। नहीं नहीं, मैं बेकारी नहीं हूँ, मैं तो बादशाह हूँ। बादशाह? कौन से मुल्क के? वो याद नहीं आ रहा मुझे। अरे तो फिर याद क्या है, कुछ याद है भी कि नहीं? हाँ, याद है ना, आज से 15 साल पहले मैं दुबई गया था। ओ तो तुम दुबई में रहते हो? नहीं नहीं, दुबई एयरपोर्ट पर मेरा माल पकड़ा गया था। कौन सा माल? वही वही तो याद नहीं आ रहा। अरे हमसे एक मुमताज बर्दाश्त नहीं हो रही, तुझे कैसे संभालेंगे? अरे तू यहाँ आया क्यों है? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था ना कि मैं यहाँ आऊंगा। ओए बासु, तुम सदीकी साहब के क्लाइंट तो नहीं हो? पता नहीं, हो सकता हूँ शायद। अच्छा चलो छोड़ो, अंदर आओ। तुम आओ। तो सिद्दीकी साहब अंदर है क्या? नहीं। तो मैं अंदर क्यों आऊं भाई? अरे यार अंदर आना, मेरा दिमाग मत खराब कर, कुछ घूमने चला। आइए ना, आइए 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 आइए। अरे फारूकी साहब, कैसे हैं आप? कौन फारूकी? आप
मेरा नाम फारूक है जी। लेकिन ये तो कह रहा था कि ये बादशाह है। आप सचमुच के बादशाह हैं? नहीं, मैं तो वजीर हूँ। वो जानू कभी ये कह रहा है बादशाह, कभी कह रहा है वजीर हूँ। ओ भाई, ये क्या चीज है? मुझे तो तुम्हारी माँ का बिछड़ा हुआ भाई लग रहा है भाई। ओए मेरा भाई, तुम कहाँ चला गया था? अरे मोमो, ये तुम्हारा भाई नहीं है। तू तो चाहता ही नहीं कि मैं अपने भाई से मिलूं। ओ माँ जी, ये मेरा मामा कहाँ से लगता है यार? वैसे ये पूरे मुल्क का मामा है। आप कौन है बाजी? ओए बदतमीज, मैं तेरी छोटी बहन हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मेरे मियाँ के सामने मुझसे वो कर रहा है। क्या कहा है मोमो इसने? वही जो आप दूसरी औरतों से करते हैं। फ्लर्ट? हाँ, फ्लर्ट। मेरे मियाँ के सामने मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं बाजी, नहीं। अब अगर तूने मुझे बाजी कहा, मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी। वो माँ जी चुप करे यार, हमारे मेहमान है ये फारूकी साहब। आपकी फ्लाइट कैसी थी फारूकी साहब? फ्लाइट कौन सी? मैं तो W11 में आया हूँ। W11? ओ चानू, मुझे तो ये बहुत ही गरीब आदमी लग रहा है यार। और मैं तो गरीबों से बात ही नहीं करती। तुम तो चुप रहो। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जाओ यार जाओ। मैं मूसा, तुमको बड़ा पागल सा आदमी लग रहा है। शक्ल तो देखो इसकी। अब ये आपका कमरा है, आप यहाँ पे आराम करें। क्यों? मैं यहाँ क्या आराम करने के लिए आया हूँ? क्या? नहीं, दरअसल मुझे याद नहीं आ रहा ना कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। आप ऐसा करें, यहाँ पे आराम से बैठ के याद करें, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा? हाँ? क्या? क्यों याद नहीं आ रहा? क्या क्या करने का? छुपाया हुआ बिल्कुल भी ना। हार? मुझे पक्का पक्का यकीन है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे भी लगता है मैंने इस मकार की पहले कहीं शक्ल देखी है। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैंने आपके पास कुछ रखवाया था। लाजी, मैं तो अजनबियों से एक तीला भी नहीं लेती। नुमान? कौन नुमान? तू और कौन? मेरा नाम नुमान है। और नहीं, तेरा नाम तो जबरान है नुमान। तो फिर ये फारूकी कौन है? तेरा बाप। बाप मेरे बाप को जानती है? चल ज्यादा दिमाग की वो ना बना। वो क्या? वही जो ठंडी ठंडी होती है ना। बर्फ? नहीं, वो जो मीठी मीठी भी होती है। खीर? ना, जो खट्टी मीठी होती है ना। इमली? हाँ, ज्यादा मेरे दिमाग की इमली ना बना। मुनव्वर? ये मुनव्वर कौन है? मेरा बाप। मैं आपका बाप हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। हाँ, मेरी शक्ल महरा खान से जो मिलती है। वो कौन है? आपकी बहन? हाँ हाँ, मेरी बड़ी बहन। वैसे तेरा जहरीला मुंह कहीं देखा देखा लग रहा है मुझे। अरे तो फिर सोचे ना, कहाँ देखा है? हाँ, सोचती हूँ मैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ए बुढ़िया, मुझे सब कुछ याद आ गया। तू वही है ना जिसे मैंने हीरो का हार दिया था? ये नहीं वसीम, ये हार मुझे रमीज ने मुंह दिखाई पे दिया था, तेरी कसम। सीधी तरह से मुझे हार दे दे, वरना मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा। तू घी का पूरा डब्बा रख ले भाई, ऐश कर जाके। मुझे अपना हीरो का हार चाहिए बस। ये हार मेरा है, मुझे एक नेक आदमी ने दिया था ये। अबे ये हार मैंने रखवाया था तेरे पास बुढ़िया। मेरा नाम क्या क्या है मेरा नाम? हाँ, भूरा बादशाह है मेरा नाम, भूरा बादशाह। तू भूरा हो या काला, मैं नहीं जानती तुझे। अबे ये हार मैं ही तो तुझे सुबह दे के गया था। हाँ तो कोई तोहफा दे के वापस थोड़ी लेता है चौड़े बादशाह। मैं भूरा हूँ, मैं चौड़ा नहीं। लगता तो तू चौड़ा है। ठहर जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। ये पिस्तौल है बुढ़िया। बुढ़िया होगा तेरा बाप। फौरन मेरा हार मुझे वापस कर, वरना मैं सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। मुझे तो वैसे ही मीठी गोलियां बड़ी पसंद है बच्चू। अच्छा,
तो फिर तू तैयार हो जा। अभी तैयार होकर आई। ओफ, मेरा मतलब है गोली खाने के लिए तैयार हो जा। ओके, एक दो तीन। वो देख कबूतर काए। ओए बुढ़िया, ओए बुढ़िया, इससे पहले कि मैं तेरी शक्ल फिर भूल जाऊं मुझे हार दे, मुझे निकलना यहां से। ठहर जा बुढ़िया। क्या आपका क्लाइंट कराची आया ही नहीं? इसका मतलब है कि जो आदमी हमारे घर आया था वो। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हेलो बट साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ। आप खूबसूरत बोलो, क्या हुआ? बट साहब, हमारे घर में एक फ्रॉड आदमी घुसा है, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। अच्छा, तो फिर मैं फौरन आ रहा हूँ। चल भाई, तू भी खड़ी हो लाइन में, चलो। और हम सब यहाँ वो करने आए हैं। वो क्या? वो जो सब सुबह सुबह करते हैं। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं यार आप? माँ जी वर्जिश की बात कर रही हैं नबील। You are so smart, जानू। Shut up, नबील। Okay, जानू। अबे बंद करो ये ड्रामा। लो जी, ये तो ड्रामा बंद करने की बात कर रहा है भाई। ओ फड़े मुत्तरा। और मैं तीन तक गिनती गिनूंगा। क्यों, तुझे तीन के आगे गिनती नहीं आती? ओ माँ जी चुप करे, उसके हाथ में गन है। एक दो तीन। और बुढ़िया सबसे पहले मैं तुझे उड़ाऊंगा। ये ले पकड़ अपने हीरो का हार, मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। अब आप बढ़ सब आ गया, बढ़ सब, बढ़ सब। किधर है, किधर है? ओए, तेरी तो मुझे कब से तलाक थी, अब तू पीसेगा जेल में चक्की।